आपने बोला कि ग्रेनेट बहुत इजी है ले जाना मतलब नहीं नॉट रियली नॉट रियली इतना आसान नहीं है आजकल हमारे डिटेक्ट नहीं, नहीं हो जाता क्या उसमें नहीं नहीं डिटेक्ट हो जाता है बट देर आर तरीका मोस्ट ऑफ द डिटेक्शन आज के डेट में सी स्कैन वगैरह जब आ जाएंगे तो बात अलग है अभी क्या देखते हैं ये लोग मेटल ढूंढते हैं मेटल का कलर अलग होता है और नॉन मेटल का कलर अलग होता है सो so, जो सबसे ज़्यादा जो आईडीज़ वगैरह का अगर ढूंढा जाता है तो इट इज़ uh, जो ढूंढते हैं वो मेटल पीस इनसाइड ए

So, कितना आप समझ रहे हैं hmm. तो से पता ही नहीं चलेगा जो चीज़ हो रही है ये आ, ये मैं एनर्जी में फेस कर रहा था क्योंकि हर दिन हाईजैक नहीं हो रहे थे या हर दिन ऑपरेशन नहीं हो रहे थे सबको तैयार रखना कि अगर आज हो जाता है आपको एक बार मौका मिलेगा और आपकी तैयारी का लेवल उस दर्जे का होना है hmm. जिसमें मोदी जी खड़ा होकर बोले कि बावन इंच का छाती छप्पन इंच चा, सॉरी छप्पन आम मैंने चार पाँच इंच कम कर दिए बट आप समझ रहे यार सो so, वो सबसे बड़ा चैलेंज होता था कि इनको उस लेवल का तैयारी करवा करके रखना कि अगर कुछ हो जाए तो दे आर एज गुड एज मतलब कि हर दिन हो रहा है ये सेम uh, मैं ये डिफेंसिव कोई भी डिफेंसिव ऑपरेशंस में ये बहुत बड़ा चैलेंज और बहुत बड़ा हुआ है जो हर दिन आप एक ही चीज़ देख रहे हो 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 और कभी कुछ हो नहीं रहा हमारे आर्मी के अंदर जैसे जे एंड के में अभी रोड ओपनिंग पार्टीज वगैरह की बात होती है जब एम्बुश होते हैं तो रोड ओपनिंग पार्टीज होती है वो जल्द करके पहले दिन पूरा रास्ता क्लियर करते हैं वो ऐसे ही है वो बड़ा टैक्सिंग सा है हर दिन सुबह ढाई बजे तीन बजे जवान उठ करके जाता है पूरे रोड ओपन करता है जगह जगह पर वो आई ढूंढता हुआ जाता है एम्बुश ढूंढता हुआ जाता है पूरा रास्ता सिक्योर करता है और हर दिन वहाँ कुछ भी नहीं होता है उसे एक दिन की उम्मीद में कभी हो गया तो और किसी एक दिन अगर हो जाता है तो हो सकता है चांसेस है कि शायद मिस हो जाए मिस हो जाए तो इसीलिए वहाँ पर वो लीडरशिप या वहाँ पे हमारी वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है आइडेंटिफाई uh, करना कि कौन सी चीज़ मोनोटरस होती जा रही है जो चीज़ मोनोटरस है आप सोचते नहीं है फिर बट वन थिंग वी हैव टू गिव इट टू ऑल ऑल ऑफ यू का इज़ इज़ की एटलीस्ट जितना हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं और जो जो चीज़ें हमने देखी है इंडिपेंडेंस के बाद से आज तक इंडिया की जो सबसे बड़ी लड़ाई थी दैट वॉज टेररिज्म और हम काफ़ी हद तक उसको टैकल कर चुके हैं बिकॉज वाइज इट्स मतलब इट्स नॉट ईजी टू सॉल्व दैट स्पेशली जब हमारे आसपास सारी बॉर्डर्स पर दुश्मन है हमारी बॉर्डर्स पर कोई भी फ्रेंडली नहीं है राइट ऑलमोस्ट एवरी बॉर्डर पे कुछ ना कुछ है इनफैक्ट कुछ लोग तो कंट्री के अंदर से कुछ स्टेट से देवर ट्राइंग टू डू समथिंग राइट एंड उसके बाद द वे यू हैव टैकल्ड एवरी थिंग इज इज कमेंडेबल हाँ ये एक सक्सेस स्टोरी है दैट इज इंडिया का सबसे बड़ा फाइट वेररिज्म लास्ट फ्यू ईयरस हमने बहुत हद तक बहुत कम कर दी चीज़ें बहुत आर स्टिल फ्यू कैजटीज विच हैपन्स दैट वी ट्राई टू सॉ जी ये रहेगा और छोटा मोटा छोटा मोटा तो रहेगा अगर ऐसे और भी बहुत इनसाइटफुल शॉर्ट्स और क्लिप्स देखनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो